That's your hand. That's your nose. I'm happy. I'm happy. Let's play. Good morning, all. तो हमने तो good morning wish कर दिया. अब किसकी बारी है? There's a week तो भी हो गया. अब month की बारी. चलो. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. सबको मंथ के नाम याद है ना? Very good. अब rhymes. One little finger, tap tap tap. One little finger, tap tap tap. Put your finger up up. Put your finger down down. Put your finger on your hand, hand hand hand. Put your finger on your eyes, eyes eyes eyes. Put your finger on your cheeks, cheeks cheeks cheeks. One little finger, one little finger, tap tap tap. Tap, tap, tap. Put your finger up, up. Put your finger down, down. Put your finger on your nose. Nose, nose, nose. Put your finger on your lips. Lips, lips, lips. Put your finger on your teeth. Teeth, teeth, teeth. Teeth, teeth, teeth. One little finger. Tap, tap, tap. Put your finger up, up. Put your finger down, down. Put your finger on your tongue. Put your finger on your tongue. Tongue, tongue, tongue. Tongue, tongue, tongue. Put your finger on your cheek. Put your finger on your chin. Chin, chin, chin. Chin, chin, chin. Put your finger on your ears. Put your finger on your ears. Yes, yes, yes. One little finger, tap, tap, tap. Put your finger up, up. Put your finger down, down. सबको मजा आया? Very good. अब fruit के बारे में हमने कल watermelon के बारे में जाना था ना? तो हम आज फिर से देखते हैं. Watermelon is green in color. Outside and inside be red and small seed inside. It has small seed inside. Watermelon is sweet taste. We can make juice and it's a summer fruit. Very good. हमने वाटरमेलन के बारे में जाना. कल मैं आपसे वाटरमेलन के कुछ क्वेश्चन करूंगी, तो उसके आंसर भी देना है. ओके, तो आप सबको भी ये आना चाहिए. अब फ्रूट के बारे में भी हो गया, तो हम आज हमारे कंटेंट के बारे में जानते हैं. आज हम क्या सीखेंगे? राइटिंग ए टू ई, अल्फाबेट ए टू ई. तो ए टू ई हम सीखे, लेकिन उससे पहले हमें उसकी पैटर्न के बारे में सीखना चाहिए कि हम ए टू ई कैसे राइट करेंगे. ओके, चलो आप सबको अभी देखना है, फिर बुक में लिखना है. ओके, गुड. हम ए टू ई की पहले पैटर्न लेते हैं. यहाँ पे लेटर ए, आप सब अल्फाबेट भाषा में सीख रहे हो ना? वेरी गुड. हम लेटर ए से स्टार्ट करते हैं. ये है लेटर ए. एफ फॉर एप्पल, एफ फॉर एरोप्लेन, एफ फॉर एंड, एफ फॉर एग्स, एफ फॉर एलिगेटर. ऐसे कितने सारे नाम हैं. तो हम अल्फाबेट ए करते हैं. तो अल्फाबेट ए की पैटर्न क्या है, हम अल्फाबेट ए लिखे कैसे, चलो देखते हैं. ये है लेटर ए, तो उसकी पैटर्न क्या है? राइट स्लैंट, लेफ्ट स्लैंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. हमने स्ट्रोक सीखे हैं ना सबने? सबने बॉक्स वाली बुक में लिखे हैं. वेरी गुड. तो हम यहाँ
लिखना है मैंने पैटर्न। मम्मी को बोल रहा है कि आपको यहाँ पे पैटर्न्स लिखने ओके। और यहाँ पे क्या माना है डेट, आज की डेट कौन सी है 25 जून 2020। यहाँ पे लिखे हम 25 जून 2020 ऐसे आपकी बुक में लिखना है। तो हम आज पैटर्न और लेटर एक भी सीखेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लाइन के बारे में देखते हैं। ये कौन सी लाइन है, रेड लाइन और फर्स्ट लाइन, ये ब्लू लाइन और सेकंड लाइन, और ये सेकंड ब्लू लाइन, तो ये थर्ड लाइन, और ये लास्ट वाली फिर से रेड लाइन, तो ये क्या हुआ फोर लाइन। इसलिए हम इसे फोर लाइन की बुक बोलते हैं। और फोर लाइन की बुक में जब लिखते हैं तब हम फोर लाइन की बुक में क्या लिखते हैं, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे लेटर हैं जो नीचे की रेड लाइन मींस लास्ट लाइन रेड लाइन को टच करता है। रेड लाइन मींस लास्ट रेड लाइन, लास्ट रेड लाइन में क्या है करंट लाइन, क्या है वो करंट लाइन। तो जैसे कि स्मॉल जी वाई ऐसे ही लेटर नीचे रेड लाइन को टच करते हैं, बाकी के लेटर उसे टच नहीं करते क्योंकि वहां पे करंट है ओके। तो आपको भी नीचे की रेड लाइन टच नहीं करनी है। तो फर्स्ट रेड लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, तो हो गई ना हमारी फोर्थ लाइन। तो अब हम राइट करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, लेटर ए। तो यहाँ पे लेटर ए, तो लेटर ए हम कैसे लिखेंगे, राइट स्लैंट, लेफ्ट स्लैंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, चलो मैं फिर से लिखती हूँ। जैसे कि हमें थर्ड ब्लू लाइन से अप जाना है और फर्स्ट रेड लाइन को टच करना है, वहां से हमें राइट स्लैंट और लेफ्ट स्लैंट और अब हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया ए। आपको बुक में टू टाइम ए लिखना है, कितने टाइम, टू टाइम, समझ में आया। अब लेटर बी, अब लेटर बी, आपको बीच में लाइन क्रॉस करनी है, आपको बीच में लाइन क्रॉस करनी है, ड्रॉ करनी है। तो ये बन गया हमारा
बी। क्या बना हमारा? बी। चलो एक और बार बनाते हैं। स्टैंडिंग लाइन राइट कर्व एंड सेकंड राइट कर्व बन गया बी। अब हम लेटर सी बनाते हैं। सी फॉर कैट, सी फॉर कार एंड सी फॉर कैट। सबको केक पसंद है? वेरी गुड। सी फॉर कैट, सी फॉर कार एंड सी फॉर कैट। तो ये कौन सा कर्व है? लेफ्ट कर्व। चलो सी तो वेरी इजी है, सी तो वेरी इजी है। तो हम ये कौन सा कर्व है? राइट कर्व। हम बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन बन गया सी, बन गया सी। चलो कैसे करते हैं राइट को? बन गया सी। नाउ लेटर डी। डी की पैटर्न क्या है? स्टैंडिंग लाइन एंड लेफ्ट को। स्टैंडिंग लाइन, सॉरी स्टैंडिंग लाइन तो हमने नर्सरी में पढ़ा था। तो अब हमें क्या बोलना है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन एंड, वर्टिकल लाइन एंड लेफ्ट कर्व। चलो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन एंड लेफ्ट कर्व बन गया टी, बन गया टी। वर्टिकल लाइन एंड लेफ्ट कर्व बन गया डी। डी फॉर डॉग, डी फॉर ड्रम, डी फॉर डॉग, डी फॉर ड्रम एंड डी फॉर डार्क। फाइनली अब लेटर ई। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एंट, ई फॉर एलिफेंट। तो ई की पैटर्न क्या है? वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इट्स अ वेरी इजी। जैसे हमने सी किया वैसे हमें लेटर ई भी करना है। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेंटर वाली ब्लू लाइन में फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन। गुड। तो अब हम फिर से करते हैं। पहले रेड लाइन, रेड लाइन में हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, बनाई सबने। अब हम वर्टिकल लाइन को कहाँ कहाँ तक टच करना है? ब्लू लाइन पर। चलो ब्लू लाइन। अब फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। हमने फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, लेकिन ये ई तो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अब हम इसे कैसे फिलअप करेंगे? यहाँ बीच में भी एक ब्लू लाइन है ना, वहां पे भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। बन गया ई। मैंने यहाँ पे टू टाइम लिखना है, वो भी टू टाइम लिखना है। ओके, मैं और एक बार लिखती हूँ, आपको भी लिखना है। ओके, और मेरे साथ बोलना है। लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन,